काफ़ी लोगों ने पूछा क्यों क्यों रिस्क लेना है, क्यों एक्टिवा में लॉन्ग राइड करना है, क्यों? सो ये स्टोरी शुरू होती है पोरबंदर से, जहाँ पे मैंने अपना नया स्कूटर एक्टिवा 60 ले लिया। बट इम्पॉर्टेंट टास्क लेना नहीं, उसको अहमदाबाद तक घर पहुँचाना था। वेर आई सॉ अ बिग अपॉर्चुनिटी टू डू अ लॉन्ग बाइक राइड, बट दिस टाइम ऑन अ स्कूटी। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल टू दी ऑल एपिसोड ऑफ जेके व्लॉग्स। स्वागत है आपका और एक मोटर व्लॉग में। बस अनु व्लॉगिंग एक्टिव हम हां एक क्यों व्लॉग बनाओ हां सो व्हाट तो अब सूरज है ना धीरे धीरे ऊपर आ रहा है और सामने सीन तो देख रहे हो ना, पैसे सब इस सीन के है भैया। अब यहाँ पे बाइक रोकते हैं और स्टार्टिंग में भैया थोड़े फोटोज तो बनते हैं ना भैया इतनी लॉन्ग राइड के। पे ड्रिंक्स ब्रेक ले लेते हैं और चाय पानी पी लेते हैं और बाइक को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाए उसके लिए। तो इधर बस ये अपना चाय ब्रेक चल रहा है। ये भी एक कभी सपना था कि वो MSK मुंबई का निखिल और सब मोटो व्लॉगर्स को देखता है तो सोचता था मैं भी कभी ऐसे राइड पे जा पाऊंगा या नहीं, बट हाँ आज ये सच हो रहा है। आज मैं भी ऐसे हाईवे पे बैठा हूँ, सामने रोड है, व्हीकल जा रहा है और मैं चाय का मज़ा ले रहा हूँ। अब यहाँ पे तो चाय ब्रेक तो हो गया भैया, तो अब वापस निकलता हूँ और 20 मिनट्स का ब्रेक लिया। तो जब भी अभी ऐसे कभी लॉन्ग राइड पे जाते हो तो व्हीकल है ना 60-70 किलोमीटर्स के बाद ऐसे 20 मिनट्स या 50 मिनट का ब्रेक लेते रहो तो इंजन क्या अगर गर्म होता हो वो भी ठंडा हो जाता है और आप भी चाय ब्रेक ले लो तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। इसीलिए गंदे टाइम पे आ गया मैं, लाइक अब ये दोपहर का टाइम है और अब ये सिटी वाले एरिया में ट्रैफिक और वो सब कुछ भी ज़्यादा होगा, अब वो हाईवे वाला रास्ता कम हो जाएगा। हाईवे ही है बट हाईवे में ही ट्रैफिक इतनी होगी। चलो पेट्रोल अब डलवा लेते हैं, नियर टू वो रेड है अब, इसलिए अब वापस फुल कर लेते हैं, इसलिए वापस ब्रेक ना मारना पड़े। बस नाक दे बस हो तो हाँ मैं तो हूँ राजकोट से, अब कितना यहाँ से 40 किलोमीटर्स दूरी अब राजकोट है, तो बस थोड़ी देर में मुझे लगता है अब राजकोट तो पहुँच ही जाऊँगा। तो राइड अराउंड 40% हो गए कंप्लीट और
एक सेकंड, ये वायर तो अब है ना राजकोट के आगे ही खड़े रहेंगे क्योंकि वो सिटी वाली ट्रैफिक पे नहीं, तो डायरेक्ट राजकोट के बाहर निकलने के बाद अब तीसरा ब्रेक लेंगे। तो चलिए यहाँ से चलता हूँ, फ्यूल भी टंकी भी फुल हो गए, मैंने रेस्ट भी कर लिया, थोड़ा नाश्ता भी कर लिया, वेफर वेफर और, तो चलिए निकलते हैं अब यहाँ से। लकड़ी को ऊपर डालते हुए साले यहाँ हाईवे में भी ये कर रहे, लाइक वहाँ पे साइड में रास्ता है बट नहीं वहीं से नहीं निकालना, इधर से ही निकालना है उसको, उसको बोलते हैं डेडिकेशन। तो अभी तो मैं ये राजकोट के तो बाहर लाइक 30 किलोमीटर जितना यह हो गया। तो हाँ ये भैया भी साथ में मिले, आपका नाम क्या है? गोपाल। गोपाल तो ये भैया भी देख रहे हो ना, ये मेरा तो चलो एक ही बैग है बट ये भैया तो मेरे से भी बड़े राइडर है, तो कितना सामान लेके जा रहे हैं? ये सब दुकान का सामान है। ये भैया भी वो बोलते ना बाइक राइडर ही है, ऐसा ही है कि इतना सामान लेके यहाँ से यहाँ कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो? 30 आना 30 जाना। ओके, रोज का है? नहीं हफ्ते में एक बार। ठीक है ठीक है, चलो तो राइडिंग कंटिन्यू करता हूँ, बस थोड़ी देर गोपाल भाई के साथ बात कर लेता हूँ। तो हाँ वो तो थे गोपाल भाई, वो चले गए आगे, और चलो मैं भी। तो हाँ यही मजा है मोटो व्लॉगिंग और मैं बोलता हूँ बाइक राइडिंग का, कि ऐसे नए नए लोगों से मिलने का होता है, उनके एक्सपीरियंसेस जान पाते हैं ऐसे बात करने के बाद, और वो भी सोलो ट्रैवलिंग में, ऐसे और मज़ा आता है मिलके। मज़ा आया गोपाल भाई आपसे। चलो आओ जो होटल है, तो सोचा था कि अब खा लेते हैं, अब वैसे भी 1:30 बज गए और अब चोटीला और वो सब कुछ आ गए, तो अब यहाँ पे खाना खा लेते हैं और बाद में अहमदाबाद तक चलेगा। हेलमेट निकालने के बाद जो मज़ा आता है ना भैया, भाई नेक्स्ट लेवल है। मैंने खाना तो खा लिया, तो टाइम लेफ्ट तो जैसे आपने देखा, तो हाँ यही रेस्टोरेंट में खाया, कौन सा था? ऑनेस्ट। अब खाना तो हो गया है, तो अब रवाना होता है चोटीला के लिए और उसके बाद अहमदाबाद डायरेक्ट। अब शायद 1 या 2 ब्रेक ही लेने का होगा और अहमदाबाद आ जाएगा। कहीं पे वो नारियल चढ़ा देते हैं एज ए प्रसाद माता जी के लिए, मीन्स ये मेरी मम्मी की विश थी इसलिए। तो मैं चोटीला तो पहुंच गया हूँ, अब यहाँ से तो अहमदाबाद होता है अराउंड 150 किलोमीटर या दूर, तो बस अब तो मुझे लगता है 3 घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे। तो अभी तो बस ये नारियल होता है ना प्रसाद की तरह चढ़ाना है, और आपको पता नहीं मंदिर दिख रहा है नहीं, वहाँ पे वो पीछे मंदिर है चोटीला, वहाँ ये प्रसाद यहाँ पे ये रहा, ऐसे नारियल होते हैं ना ये ऐसे प्रसाद ही चढ़ाते हैं।
કેમેરો જો અત્યારે વિડિયો ઉતરે આપણે જો દેખાય હા આ છે હા આ કરો એટલે દેખાય હા જો યે અંકલજી બોલ રહે કે અગર ચોટીલા આતે હો તો યે હોટલ હે કઈ હોટલ રાધે કૃષ્ણ હોટલ હા રાધે કૃષ્ણ હોટલ પે જરૂર આના લાઈક નારિયેલ ચડાના હોય યા કુછ ભી ખાના પીના હોય તો ચલો ભૈયા રાઈડ વાપસ અપની કન્ટિન્યુ કરતે હે નારિયેલ તો યહાં પે ચડા દિયા હે क्या चीज आपको मालूम है क्या एकदम ऐसे ऐसे क्या है भगवान जाने इसको अब तो डाइवर्जन के ऊपर डाइवर्जन आ रहे हैं एक डाइवर्जन खत्म होता है तो दूसरा आता है दूसरा खत्म तो तीसरा वैसा ही चल रहा है लास्ट 50 किलोमीटर से एकदम लाल में आ गया है तो अब इधर वैसे भी ये पेट्रोल पंप आया था चलिए अब वापिस 200 का पेट्रोल डलवा देता हूँ दो बार ऑलरेडी 200 का और ये थर्ड टाइम मीन्स टोटल 600 रुपये का अभी तक पेट्रोल में खर्च हुआ है तो हाँ जी पेट्रोल है ना डलवा दिया 200 का तो टोटल 600 और अब पानी भी पी लेते हैं और वापस निकलते हैं अब तो अहमदाबाद रहा है कितना अराउंड 130 किलोमीटर दूर तो पानी पी के निकलते हैं चलो अब अहमदाबाद तो यहाँ से 60 या उतना अराउंड रहा है तो अब चाय पी लेते हैं भैया और सनराइज होने में मुझे लगता है एक घंटा बाकी है सूरज देवता को देख के मैं बता सकता हूँ अब वापिस वही बोल वापिस कर रहा हूँ मैं ग्लव्स भूल गया पहनने का चलो 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 फटाफट फटाफट पहनो 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 आ गया चलो 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 सेकंड सेकंड हो गया चलो बंद करो चेन और निकलो यहाँ से चलो टाइम वेस्टिंग अभी कुछ बोल दूँगा टाइम वेस्ट ही कर रहा हूँ चलो अब डायरेक्ट अहमदाबाद दिए रास्ते के सर्कल के बीच में और वहां पे उतर रहे सब क्या भाई गजब स्वागत है आपका अहमदाबाद में अब ये वाला लास्ट टोल नाका था अहमदाबाद का अब ये अहमदाबाद की हद यहाँ से शुरू हो जाती है और मैं सिटी में यहाँ से ही जाऊंगा अब तो रुकना ही पड़ेगा अरे वाह काका वो स्कूटर वाले भैया को देखा इधर से चले गए काश मैंने भी नीचे से ले लिया होता वो नीचे से ऐसे ही जा रहे तो चलिए अब है ना घर से कंटिन्यू करते हैं व्लॉग और यहाँ पे तो ट्रैफिक है अभी इसलिए चलिए घर से करते हैं यहाँ थोड़ी देर लगेगी अब भैया फाइनली
अहमदाबाद मेरे घर पहुंच गए। तो इतना व्लॉग आपने देख लिया, तो आई होप कि वीडियो तो आपको अच्छा लगा। और ये वीडियो देख रहे हो ना, 16 मिनट का हो गया, तो भाई मेरी भी एडिटिंग में लग गई। अब 1.5 घंटे के क्लिप अब उसको 16 मिनट में कैसा दिखाना है, तो वो भी मैं ऐसा पहले किया है बट मोटो व्लॉग कभी नहीं किया, इसलिए थोड़ा ऐसे टाइम लगा कि ये व्लॉग अपलोड करना है। बट हाँ, फाइनली आ गया यूट्यूब में, तो आप तो देख ही रहो। और हाँ, अगर अभी तक आप मुझे सहन कर रहे हो ये यूट्यूब में, तो ये वीडियो को लाइक वाले बटन को भूलिएगा मत, और नए व्यूअर हो तो प्लीज़ वो रेड वाले सब्सक्राइब बटन को भूलिएगा मत। अब है ना, 1000 में थोड़े बाकी है, इसलिए मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो भैया। तो चलिए वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और बस बाकी सब बढ़िया है। तो चलिए, टाटा गुड बाय, सी यू एंड डू व्हाट एवर यू वांट टू डू। चलिए बाय बाय, और मिलते हैं बहुत जल्द कभी नेक्स्ट व्लॉग में, पता नहीं क्या होगा बट मिलेंगे ज़रूर। तब तक के लिए बाय बाय। मौसम बड़ा बेमान है बड़ा, आज मौसम